खराब हो गया मैंने टाइम पे सर्च किया तो इनका वीडियो सबसे पहले दिखा मेरे को मैं मैं कहना चाहूंगा कि कहीं गया था सर्विस सेंटर हाँ। कहने थे ये होगा वो होगा ज्यादा पैसे लगेंगे भैया हाँ। तो के बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर मैं वो देखा और भैया हाँ। तक के पहुंचा और भैया ने मेरा काम सर्विस कैसी लगी है हमारी आपकी सर्विस बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा है आधे घंटे में आपने पूरा काम कर दिया हेलो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हमारे पास ये भैया उमरेट से आए अपना फोन रिपेयर कराने तो इन्होंने हमारी वीडियो देखा था जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में सुना कि इन्होंने हमारी वीडियो देखा और उसको देख के हमारे पास फ़ोन रिपेयर के लिए आया दरअसल इनके फ़ोन में प्रॉब्लम ये है जब इनका फ्रंट कैमरा ऑन हो रहा है और बैक कैमरा हम ऑन कर रहे हैं तो जो फ़ोन है हमारा वो हैंग हो जा रहा है यानी कैमरा पे फ़ोन कैमरा हैंग हो जा रहा है तो इनका इशू ये है इनका कैमरा जो है बैक कैमरा प्रॉपर वर्क नहीं करता है कभी कभी ये कहते हैं कि कैमरा वर्क करता है माइक्रो कैमरा वर्क करता है बाकी कैमरे वर्क नहीं करते तो देख लीजिए ये एम आई टेन आई मॉडल है जैसा आप देख पा रहे होंगे तो अभी हम ये पूरा फ्रेश फ़ोन है अभी हम इसकी अच्छी तरीके से पूरी शील्ड वगैरह निकाल लेते हैं तो ये शील्ड निकल चुकी है अभी ये सी पी ओ की जो है चारों कोने हम इसके कट कर देंगे तो देख लीजिए कट हो चुके हैं हमारे चारों कोने तो अभी हम इसे थोड़ा पेस्ट लगाएंगे और इसे हिट मारेंगे तो देख लीजिए ये पास पेस्ट लग चुका है हमारा और अभी हम इसे हिट मारेंगे तो ये हमारा जो प्रोसेसर है वो बाहर आ जाएगा तो देख लीजिए बस धीरे धीरे ब्लेड डालना है हमें कोई घाई नहीं करनी है अगर घाई करेंगे तो ट्रैकर टूटेंगी हमारी तो देख लीजिए प्रोसेसर निकल चुका है तो अभी हमें इसे स्पीड में फटाफट फड़ नीट एंड क्लीन कर लेना है और उसके बाद ये हमारी एक ट्रैक डैमेज है ये ट्रैक हम सही कर लेंगे तो ट्रैक टूटने तो का यही रीज़न रहता है कभी कभी हीट कम हो जाती है उसकी वजह से ट्रैक के डैमेज होती है तो हीट कम कम रखना पुराता है लेकिन ज़्यादा रही अगर सी पी उड़ गया तो वो बनेगा नहीं कभी ठीक है ये बात याद रखने आप मेरी तो ये अभी हम यू भी ग्लू से इसे लगा के इसे लाइट की मदद से सुखा देंगे तो देख लीजिए हमारी ट्रैक बन चुकी है परफेक्टली अभी हमें प्रोसेसर क्लीन कर लेना है अच्छी तरीके से तो ये जो प्रोसेसर है एकदम नीट एंड क्लीन करना है प्रॉपर तरीके से तो देख लीजिए ये बस ग्लू हमारा क्लीन होने ही वाला है तो और इसको ये ग्लू क्लीन होने के बाद हमें क्या करना है डिसल्टिंग वायर की मदद से भी एक बार और क्लीन कर लेना है और तार की ब्रश से इसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है कि हमारे जो बॉल है एक भी ड्राई ना रहे तो जब हम रिबॉल करेंगे तो हमारी आईसी एक ही बार में रिबॉल होनी चाहिए तो वैसे तो हम तो दो से तीन बार रिबॉल करते ही है इसलिए दो से तीन बार रिबॉल करते हैं कि बॉल इक्वल एक, एक जैसे बने तो देख लीजिए अभी अभी हमने स्टेंसिल जमा चुका है ये पहली बार है हमारी ये फर्स्ट टाइम हम इसे अभी रिबॉल करेंगे देख लीजिए ये बॉल बन चुके हैं थोड़ी स्टेंसिल हमारी सरक गई है तो आपको एक बात और ध्यान रखना ही है कभी स्टेंसिल आपकी सरक जाए तो अभी हमने जैसे कहिए से बड़े बॉल निकाल दिए लेकिन हमने दोबारा पूरी आईसी निकाल के साफ़ करके नहीं लगाए अगर वो लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएंगे तो देख लीजिए बॉल वहीं के वहीं हमने इसके रिपेयर कर रहे हैं अभी दो से तीन बार के चार बार क्यों ना करना पड़े क्या है फिर वो आई सी निकालो फिर से साफ करो उससे अच्छा बढ़िया यहीं पर काम हो गया देखो दो से तीन बार में बढ़िया एक नंबर बॉल बन गए हमारे देखो एक जैसे बॉल बने हैं पूरे तो अभी हम ये बन चुके हैं हमारे बॉल और इसको हम अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर लेंगे हमारी आईसी इसके बाद हम थोड़ा पेस्ट लगा के से हिट मारेंगे अच्छी तरीके से पेस्ट लगा के हिट मारने से ये होता है गाइस जो बॉल जगह पे नहीं रहेंगे वो जगह पे आ जाएंगे तो अभी आईसी को नॉइज हमारा जहाँ हम था वहीं रखना है हमें तो और उसके बाद हमें इसे हिट मार देना है सही पोजीशन पे रख के देख लीजिए इसके बाद हमें धीरे धीरे हिट मारना है धीरे धीरे हिट में इसलिए मारना है नोजल भी हमारा आईसी का टच नहीं करना है मदरबोर्ड में नहीं तो उससे क्या होता है कई बार हमारी आईसी के बॉल है जो दब जाते हैं तो देख लीजिए पेस्ट बाहर आ चुका है इसका मतलब ये है हमारे जो सी पी ओ है वो परफेक्टली बैठ चुका है तो अभी हमने मदरबोर्ड ठंडा कर लिया है अभी हम इसे फटाफट एकदम स्पीड में फोन पैक करेंगे इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अगर आपको भी कोई फोन आपको रिपेयर के लिए भेजना है तो जो नीचे दिया हुआ नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल हमारा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए फ़ोन हम ऑन कर लेते देख लीजिए हमारा फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है अभी हम इसे अच्छी तरीके से डिस्प्ले भी क्लीन कर लेंगे जहाँ गंदगी होंगी वो साफ़ कर लेंगे तो ये पासवर्ड खोल चुके हैं अब हम ये कैमरा चेक कर लीजिए हमारा फ़ोन ओके हो चुका है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए तो हो गया मैंने उसी टाइम पे सर्च किया तो इनका वीडियो सबसे पहले दिखा मेरे को मैंने फिर वो वीडियो देखा देख के की तो मैं, मैं, मैं कहना मैं चाहूंगा कि कहीं गया था सर्विस सेंटर हाँ। कहने थे ये होगा वो होगा ज्यादा पैसे लगेंगे के बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर मैं वो देखा और भैया तक के पहुँचा और भैया ने मेरा काम सर्विस कैसी लगी हमारी आपकी सर्विस बहुत फास्ट है और बहुत अच्छा है आधे घंटे में आपने पूरा काम कर दिया चलिए आते रहिए आप हाँ ठीक है थैंक यू ओके वेलकम